हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनीनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनीनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है तो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये भी, क्योंकि आज जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है बृहस्पतिवार। तो मैं बृहस्पतिवार का जो व्रत रखती थी आज वो संपूर्ण हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। तो आज मैं करने जा रही हूँ उसका उद्यापन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से घर में सिंपल तरीके से बिना पुरोहित के हम उद्यापन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी कुछ मैंने तैयारियां की हैं और जो कुछ भी मैं जिस तरह से कर रही हूँ, क्या क्या हमको उसके लिए सामग्री लगेगी आपको उद्यापन में, और क्या जो भी मतलब पूजा जो भी हम करने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको सब बताती हूँ उसकी विधि, उसकी और सामग्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमको बृहस्पतिवार के उद्यापन में क्या क्या जरूरी सामग्रियाँ लगती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लेंगे चने की दाल, इस तरह से। ये आपको 1.25 किलो लेना है, सबसे कम 1.25 किलो, नहीं तो 1.25, 1.25, जितना भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1.25 किलो लिया है। उसके बाद आप मुनक्का, ये चने की दाल, गुड़ और मुनक्का, ये तो सबसे मेन है, भगवान को हर बृहस्पतिवार हम चढ़ाते ही हैं। तो ये मुनक्का आपको लेना है, ये भी श्रद्धा के हिसाब से आप ले सकते हैं। 1.25 किलो गुड़, ये भी हमको 1.25 किलो कम से कम लेना ही है, इस तरह से। 1.25 किलो हल्दी की गांठ, अगर आपके पास हल्दी की गांठ आपको नहीं मिलती है तो आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। वैसे मतलब खड़ी हुई हल्दी, हल्दी की गांठ जिसे हम कहते हैं, वो हमको इस पूजा में ज़्यादा रखना चाहिए। फिर एक नारियल, इस तरह से। फल में आप केला ले सकते हैं, ये भी 1.25 किलो हमको केला लेना है, कम से कम श्रद्धा के हिसाब से आप 1.25 किलो, 1.25 किलो, कितने भी आप ले सकते हैं। मैंने 1.25 किलो, 1.25 किलो लिया है, मैंने 1.25 किलो लिया है। फिर ये पीली मिठाई, तो आप बूंदी के लड्डू भी ले सकते हैं और बेसन से बने हुए लड्डू भी ले सकते हैं। तो ये भी मेरे 1.25 किलो के लड्डू हैं, इस तरह से बेसन के, ये मैंने लिया हुआ है। और एक चीज़ और ज़रूरी होती है जो मुझे नहीं मिली है, पपीता, जो पीला फल वो भी रहता है पपीता, तो वो भी हमको, आपको अगर मिल जाए तो आप ज़रूर मतलब चढ़ाइए, भगवान को दान दीजिए। मुझे नहीं मिला यहाँ पर तो मैंने नहीं लिया है, पर हाँ पपीता भी ज़रूरी होता है। और पीला के, ये पीले मतलब केले जो होते हैं फ्रेंड, केला आप आज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, जो भी आप व्रती इंसान रहता है उसको केले का मतलब पान नहीं करना चाहिए, केला हमें नहीं खाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि हम केले का पूजन आज के दिन करते हैं, तो हमें केले का मतलब केला नहीं खाना चाहिए। पर आप केले का दान दे सकते हैं, केले का जितना दान आप देंगे उतना अच्छा रहता है, उसका बहुत महत्व होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर हम दान में आप पीले वस्त्र ले लीजिए, जिस तरह से आप चाहे तो 1.25 मीटर का कपड़ा ले सकते हैं या 1.25 मीटर ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साड़ी ली हुई है, ये पीली साड़ी, पूरा ये श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, आलता, कंघी और बैंड है और आईना, इस तरह से पूरा श्रृंगार का सामान है। और एक ये है जो इस तरह से आता है मतलब जेंट्सों के लिए इसको बोला जाता है, ये उनका मतलब गमछा टाइप का रहता है, ये पंडित जो ओढ़ते हैं अपने कुर्ते के ऊपर, तो ये इस तरह से पीला, ये मैं दान दे रही हूँ, तो ये पंडित को हो जाएगा। और ये जो है पंडित मतलब जो पंडिताइन होती हैं उनके लिए ये पूरा हो जाएगा। फिर पीले फूल जो सबसे ज़रूरी रहते हैं आज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हमें पीले फूल का ही प्रयोग करना चाहिए, भगवान विष्णु को, भगवान बृहस्पति देव को पीले फूल ही पसंद हैं, उनको अति प्रिय है पीला रंग, तो इस तरह से हमने पीले फूल ले लिए हैं। और फिर उसके बाद हमने इस तरह से ये कलश हमने बना लिया है, गौरी, ये गणेश जी बिठा लिए हैं, ये देखिए गणेश जी बैठे हुए हैं, गौर गणेश जिसे हम बोलते हैं ये वो हैं। नवग्रह बना लिया है, यहाँ पे गणेश जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी जी और ये हमारे विष्णु जी हैं,
और इस तरह से भगवान नारायण की, सत्यनारायण भगवान का मैंने इस तरह से मूर्ति रख लिया है, एक फोटो है जो वो रख ली है। तो ये हो गया है हमारी पूरी सत जो मैं कथा भी करने वाली हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पतिवार की कथा भी बोलूँगी। तो ये इसकी तैयारी हो गई है। ये इस तरह से पूरा हमारा दान का सामान है जो आज भगवान को चढ़ाऊँगी। यहाँ पूजा की सारी तैयारियाँ कर रखी हैं, जो भी दीपक धूप और ये आपका कपूर अक्षत इस तरह से हो गया है। फिर आज जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है केले का पूजन। हमें केले के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उसमें जल चढ़ाने के लिए रखा है। फिर वही सारा भोग हम इसमें भी लेंगे, चने की दाल, मुनक्का, गुड़ और लड्डू। उसके बाद हम आज कलावा अपने केले के वृक्ष में बांधेंगे। तो उसके लिए कलावा, पीले फूल, ये धूप दिखाएंगे और ये देखिए हम दिया लगाएंगे। और एक चीज़ और है मैंने रखा, रख नहीं पाई हूँ अभी, हल्दी। हम हल्दी भी जरूर भगवान को चढ़ाएंगे, हल्दी भी अति प्रिय है विष्णु भगवान जी को। तो ये है हमारे केले के वृक्ष का जो हम उसमें लेके जाने वाले हैं, वो अभी मैं ला रही हूँ। हल्दी की बस कमी है इसमें, हल्दी ला के रखती हूँ। तो इस तरह से पूरा हमारा जो पूजा की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं जैसी भी जो पूजा कर रही हूँ सबसे पहले, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे और केले के वृक्ष की पूजा करेंगे। अगर आपके पास छोटा वृक्ष हो तो आप यहाँ पास में ही अपने जो आपने चौकी बिछाई है पूजा करने के लिए वहाँ पर लाके रख सकते हैं। और क्योंकि मेरा बहुत बड़े उसमें रखा है तो मैं वहाँ पर ही जाके कर ले रही हूँ पूजा, इसलिए क्योंकि वो ला नहीं सकते नीचे, तो हमारे टेरेस पे रखा हुआ है। तो चलिए हम वहाँ चल के सबसे पहले केले के वृक्ष की पूजा कर लेते हैं। केले के वृक्ष में सबसे पहले हम जल अर्पण करेंगे। सबसे पहले जल दिया जाता है, कोई भी पूजा में हम सबसे पहले जल ही चढ़ाते हैं, तो केले के वृक्ष में भी सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। उसमें टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद हम फूल चढ़ाएंगे, फूल पीले फूल। केले के वृक्ष में भी हमको पीले फूल चढ़ाना है। पीले फूल चढ़ाने के बाद इसमें आज वस्त्र के नाम पर, वस्त्र के उससे हम जो कलावा आता है उसको हम बांध देंगे पेड़ की डिगाल से, क्योंकि कलावा, लाल कलावा जो हम कलाई में बांधते हैं इस तरह से बांधेंगे। और फिर दिया रखने के लिए, दिया आज हम स्वास्तिक बनाएंगे, पहले तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे और फिर उसमें हम हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद हम उसमें दिया जो आरती हम करेंगे उस वो दिया जो है हम इस स्वास्तिक के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने भी वस्त्र पहना दिए हैं, कलावा बांध दिया है और यहाँ पर अब मैं रखूँगी, मतलब दिया हम लगाएंगे, आरती करके दिया लगाएंगे और भोग जो भी हम लाए हैं भगवान के लिए, चना, गुड़, मुनक्का और लड्डू, सब पीला रहना चाहिए, उसका भोग लगा देंगे भगवान से। और उसके बाद हम उनसे जो भी अपनी जो हमारी मनोकामना थी जो उन्होंने पूर्ण करी है उसको आप बोलेंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे। इस तरह से जो है हमारा हम केले के वृक्ष की पूजा करेंगे अपनी संपन्न। फिर आप धूप बत्ती भी लगा दीजिए, क्योंकि मैं तो अगरबत्ती नहीं लगाती हूँ क्योंकि बांस होता है उसमें, तो इसलिए मैं धूप बत्ती का प्रयोग करती हूँ। आप अगर करते हो तो आप मतलब धूप बत्ती अगरबत्ती लगा लीजिए, क्योंकि वैसे तो अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो धूप बत्ती का ही आप करिए और इस तरह से आपकी केले के वृक्ष की पूजा पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम केले की पूजा करके आ चुके हैं और अब हम नीचे आकर जो है बृहस्पति भगवान का पूजन कर लेते हैं। चलिए तो जो सी भी मैं पूजा कर रही हूँ वो मैं आपको बताती जाती हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वो यह है कि जो भी आप भोग बृहस्पतिवार में भगवान को लगाते हैं, बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, चने की दाल, गुड़, मुनक्का और लड्डू, तो इस तरह से जो भोग होता है उसमें आप तुलसी पात्र, तुलसी का पत्ता जरूर रखिए, क्योंकि नारायण भगवान की प्रिय हैं तुलसी जी, लक्ष्मी जी, तो वही उनका रूप है तुलसी जी। तो आप उसमें तुलसी जी, तुलसी का पात्र जरूर रखिए, तभी वो भोग जो है वो ग्रहण करते हैं और भगवान विष्णु जी तक या जो
भोग होता है हमारा उन तक पहुंचता है। तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है तुलसी पात्र आप जरूर अपने जो भोग आप लगा रहे हैं भगवान को, जो दान दे रहे हैं वो उन सभी चीज़ों में तुलसी पात्र जरूर रखिएगा। तो ये देखिए जैसे मैंने इस तरह से तुलसी पात्र रखा हुआ है अपने भोग में, वैसे तो ये सभी भगवान को चढ़ रहा है लेकिन अलग से एक छोटे पात्र से मैं भगवान को इधर भोग लगाऊंगी उससे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग निकाल के रख लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कलश जो हमने बनाया है उसमें दीप प्रज्वलित करिए। गौरी मतलब जो गणेश जी हैं, गौरी गणेश बैठे हुए हैं जो कलश है उनकी पूजा करने के बाद हमने जो बृहस्पति देव की जो फोटो रखी है उसको जल छिड़क कर उसमें फूल चढ़ाकर टीका लगा के भगवान को और जो भी गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, जो भी भगवान हमने बिठाए हैं सभी की उनको तिलक लगा के फूल चढ़ा के हम अच्छे से हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचनाएँ करेंगे अपनी। उसके बाद फिर हम उनको भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद भगवान से अच्छे से उनसे विनती करेंगे कि आप इस भोग को ग्रहण करिए। उसके बाद हम हाथ में अपने क्योंकि आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुन पढ़ रहे हैं अभी, तो हम अपने हाथ में चने की दाल लेकर फिर हम मतलब जो बृहस्पतिवार की जो कथा है उसको कहेंगे। तो ये देखिए मैं भी चने की दाल हाथ में ले ली है मैंने और फिर हम बृहस्पतिवार की कथा पढ़ेंगे। जो कथा मैं पढ़ती हूँ उसमें दो कथाएं हैं। तो जैसी आप कथा हर बृहस्पतिवार को आप करते थे, आप एक कथा पढ़ते थे या आप दो कथाएं पढ़ते थे, तो उस हिसाब से आपको वैसी ही विधि से मतलब कथा पढ़नी है। जैसे कि मेरे पास जो ये किताब है बृहस्पतिवार कथा की, इसमें दो कथाएं हैं तो मैं दो कथा ही पढ़ती थी हर बृहस्पतिवार को। तो आप भी इसी तरह से दो मतलब कथा पढ़िए। कथा के बाद हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद जो है आप, क्योंकि अभी मैं हवन नहीं कर रही हूँ, हवन हम क्योंकि कथा जब हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की उस समय हम हवन करेंगे ही, इसलिए अभी हम हवन नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कथा के बाद करेंगे। तो बस कथा करने के बाद जो मैं हूँ उसके बाद मैं आरती करूँगी। आरती के बाद हम अच्छे से भगवान से पैर पढ़ेंगे। पहले तो कथा पढ़ने के बाद हम जो चने की दाल जो हमने हाथ में ली है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के बाद अच्छे से पैर पड़ेंगे और फिर संकल्प लेंगे। जो हम संकल्प लेते हैं कि हमारा जो व्रत पूर्ण हुआ है उसको मतलब भगवान से अच्छी मतलब मनोकामनाएं करेंगे उसके लिए और धन्यवाद देंगे। तो इस तरह से जो मैं कर रही हूँ देखिए आप। फ्रेंड्स बृहस्पतिवार की व्रत कथा जो थी वो मैंने पूरी कर ली है अपनी, वो अच्छे से पढ़ लिया है, भगवान को सब भोग लगा दिया है जैसे कि जो भी कुछ मैंने आपको दिखाया है। अब जो है उसके बाद आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी करने वाले हैं, तो वो अब हम थोड़ी देर से अभी करेंगे। उसका भोग बना लूँ जैसे कि उसमें पंजीरी जरूर बनती है और पंचामृत भी जरूर चढ़ता है, तो वो सब तैयारी करने के बाद हम सत्यनारायण भगवान की भी कथा करेंगे। और हाँ, अगर आप बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हैं तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ उस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करिए जैसे कि मैंने किए हैं। आपको पीले वस्त्र ही धारण करने हैं, ये देखिए, तो उसका बहुत महत्व होता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स कथा की तैयारी के लिए इस तरह से पंजीरी का जो प्रसाद बनता है कथा में सत्यनारायण भगवान की, तो ये बना लिया है मैंने इस तरह से। पंचामृत वो भी लगा लिया, बना लिया है और फिर ये खाने का भोग लगा रही हूँ। पूरी सब्जी बिना लहसुन प्याज का खाना बना है। तो इस तरह से ये जो है सत्यनारायण भगवान के भोग की तैयारी हो गई है। फल है,
फल में केला, सेव ये सब है। तो ये देखिए अब बस पूजा स्टार्ट होगी हम लोगों की, तो बस ये आ गए हैं और तैयार हो गए हैं फ्रेश होके। तो बस हम अब पूजा अपनी सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करते हैं, कलश जलाते हैं गौरी गणेश और कलश की, फिर पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की, गणेश जी की पूजा करके टीका लगा के फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद हाथ में हम अक्षत लेंगे। अक्षत लेने के बाद हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे, जिसमें 5 अध्याय होते हैं। तो वो कथा करने के बाद हवन, हवन के बाद आरती, और फिर आपकी जो पूजा होती है सत्यनारायण भगवान की वो संपूर्ण हो जाती है। तो चलिए, जैसे ये एक जो इस तरह से मतलब सभी पूजाएं होती हैं वो मैंने आपको बताया है, जिस तरह से हम करते हैं, हम क्या सभी करते हैं इस तरह से ही पूजा। तो चलिए जो भी हम करते जा रहे हैं आप देखिए। सत्यनारायण भगवान की कथा के समय हमको केले के पत्तों से मंडप जरूर बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। पर मैं कल वो पत्ते नहीं तोड़ पाई थी और आज इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि आज मैं उस वृक्ष की, केले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं। तो इसीलिए हमने केले के पत्ते से मंडप नहीं बनाया है, चारों तरफ हम केले के पत्ते लगाते हैं, तो हमने आम के पत्ते ही लगा दिए हैं। वैसे हमको मतलब आप सत्यनारायण भगवान की कथा जब भी करते हैं तो आप केले के पत्ते से मंडप जरूर बनाइए, चारों तरफ से उसको जरूर सजाइए।
फ्रेंड्स, इस तरह से आज की हमारी बृहस्पतिवार की व्रत की कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी पूजाएं संपन्न हुई। इसके बाद आप अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लीजिए, कन्याओं के पैर पड़ लीजिए और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो गई। आपने जो भी दान के लिए रखा है वो सब आप इसके बाद जाके पंडित को दान में दे दीजिए और जहाँ जहाँ आपको प्रसाद वितरण करना है वहाँ वहाँ आप सभी को प्रसाद भी दे दीजिए। इस तो फ्रेंड्स, आज जो है मंदिर पूरा हो गया है। आज हम लोगों ने सोचा था आज हम शिव जी भोलेनाथ का भी आज हम मान प्रतिष्ठा करवा लेते, लेकिन पूरा मंदिर नहीं बन पाया था जैसे कि आप मेरे पहले व्लॉग में देख चुके हैं। आज पूरा ये कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आज नहीं हो पाया मत, तो इसलिए अब हम लोग संडे को करने वाले हैं। भगवान की मान प्रतिष्ठा संडे को होगी भोलेनाथ की। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है हमारा मंदिर। तो वैसे अभी पूरा बनना है, अभी ये थोड़ा सा मार्बल ऊपर का मतलब चिपकेगा, इसको पेस्ट करेंगे इस पे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पर हाँ, अभी तो आप देख ही रहे हैं कैसा दिख रहा है। तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको हमारे भोलेनाथ का टेम्पल जो बना है अभी। और फिर तो जब हम मान प्रतिष्ठा भोलेनाथ को मतलब विराजमान यहाँ करेंगे तो वो तो हम दिखाएंगे ही, पर अभी जो बनता जा रहा है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसके लिए कह रही हूँ। तो ये देखिए आप, मंदिर बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज जो है मेरी बृहस्पतिवार व्रत जो है पूरे संपूर्ण हुए। आज उसका पूरा उद्यापन भी मैंने कर लिया। तो आपको पूरी उद्यापन विधि मैंने दिखाई, सामग्री मैंने बताई कि क्या क्या उसमें सामग्रियाँ जरूरी रहती हैं, उसकी कैसी विधि है। आप चाहें तो घर में खुद से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप पंडित भी बुला सकते हैं। और ये जो जैसे मैंने पंडित नहीं बुलाए, मैंने सिंपल घर में सिंपल तरीके से करी है। तो जो भी ये सामग्री मैंने भगवान के लिए रखी है तो ये सब हम पंडित को ही आज शाम में जाके दान देकर आएंगे, उनका ही है ये। तो आपका जैसा मन पड़े आप उस तरह से मतलब उद्यापन विधि कर सकते हैं। फिर साथ ही इतना अच्छा कार्तिक का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और उसमें सत्यनारायण भगवान की आज के दिन हमने कथा भी करी है। तो जो बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए बहुत अच्छा ये महीना जो है दान पुण्य के लिए पूजा पाठ के लिए अच्छा माना जाता है। शुक्ल पक्ष की भी बहुत बड़ी महिमा है, तो इस समय सत्यनारायण भगवान की कथा की भी बहुत महिमा होती है। तो हमारी इस समय इसीलिए हमने ये भी करी है। तो आपको यानी हमारा यह वीडियो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन को रेड से ग्रे कर दीजिए। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।